नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है हमारे चैनल वेजिटेबल फार्मर्स में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हाँ किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आप खीरे की खेती करना चाहते हो तो आप किस टाइम पर करें और आप किस समय पर करें तो आपको अच्छा रेट मिलेगा, और इसके अगर आप सही टाइम पर करते हो तो आपको इसका अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा और अच्छा उत्पादन भी मिलेगा, और आप इस फसल को ज़्यादा दिनों तक भी अपनी चला सकते हो। तो आपको इसके लिए किसान भाइयों करना क्या है कि अगर आप खीरे की खेती करते हो तो आपको सही समय पर, अगर आप खीरे की खेती करते हो तो आपको इसका रेट जो है वो काफ़ी अच्छा मिल जाएगा किसान भाइयों। तो अगर आप देख सकते हो यहाँ पर बीज का, जो खीरे की खेती में बात करने वाले, देख सकते हैं किसान भाइयों, अलग अलग समय पर अलग अलग सावधानियाँ रखनी होती हैं। जैसे कि गर्मियों के समय में हर तरीके की सावधानी रखनी होती है किसान भाइयों। जैसे कि अगर आपके के खीरे की खेती कर तो लेते हो, बहुत से किसान भाई देख सकते हैं हमारे 2 बेड का डिस्टेंस कितना है, देख सकते हो किसान भाइयों, आप अंदाज़ा लगा सकते हो। देख सकते हैं यहाँ पर 2 से 3 फीट का हमने बहुत कम ही रखा है, क्योंकि देख सकते हैं किसान भाइयों यहाँ पर, जो किसान भाई देख सकते हैं यहाँ पर बीज से निकलने के लिए हमने थोड़ी सी रास्ता बनाई हुई है, क्योंकि इसमें होता क्या है, जो हमारे फूल हैं ज़्यादा दूर होता है, डिस्टेंस होता है, तो यहाँ पर गर्मी है, जब बहुत ज़्यादा धूप पड़ती है तो होता क्या है, ज़्यादा बीज से होता क्या, धूप पड़ने की वजह से यहाँ पर फूल फल हमारे आदि ड्रॉप होते रहते हैं, जो पीले पड़ने की समस्या, फसल पीली पड़ती है, पत्तियाँ पीली पड़ती हैं, इन सारी समस्या आती रहती हैं। तो इसके लिए आप थोड़ा गर्मियों में ये सावधानी ज़रूर रखें कि बेड से बेड की दूरी बहुत कम कर ले, 2 फीट कर ले। अगर आप वैसे 3 फीट करते हो तो आपको 2 फीट करनी है, क्योंकि किसान भाई यहाँ पर जो है आप पानी का सही से वो बना सकते हो सिस्टम, जो पानी आप यहाँ पर बीज से भी दे सकते हो, क्योंकि किसान भाई गर्मियों में बहुत ज़्यादा धूप पड़ती है मई जून के महीने में, तो इसके कारण बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है किसान भाइयों की उत्पादन, आपका फूल निकल रहा है और इसमें फल आ नहीं रहा है, तो उससे आपका उत्पादन बहुत कम हो जाएगा किसान भाई। देख सकते हैं यहाँ पर ये आपको ज़रूर एक सावधानी रखनी है कि आपको बीज से थोड़ा बहुत पानी चलाते रहना है, और अगर ड्रिप लाइन है तो मल्चिंग के ज़्यादा डिस्टेंस ना होने की वजह से इसमें दोनों तरफ जो है पानी आपस में मिलता रहेगा, तो किसान भाई इस मल्चिंग से इस तरफ आ जाएगा, और आपको थोड़ा 1 घंटा आप सुबह पानी चलाओ, एक दोपहर को भी थोड़ा चला दो, और शाम को 3 टाइम आपको पानी चलाना है किसान भाई। और तो आप देख सकते हो खीरा से आप उत्पादन ज़्यादा दिनों तक अच्छी तरीके से निकाल सकते हो किसान भाइयों। तो आज हम बात करने वाले हैं खीरा की खेती के बारे में, आप कैसे प्लांटेशन करो। देख सकते हैं अभी हमारा ये न्यू फार्म है, देख सकते हैं यहाँ पर खीरे की खेती करने वाले हैं। तो अगर आप भी इसका सीधे नर्सरी डालकर प्लांटेशन करते हो तो इसके लिए हम बात करने वाले हैं कि अगर आप नर्सरी डालते हो, जैसे ट्रे में आप नर्सरी डालने के बाद यहाँ पर प्लांटेशन करो, तो 2 दिन पहले अच्छी तरीके से इसको बेड को पानी चलाओ और फिर आप उसको प्लांटेशन करो, क्योंकि अगर आप दो दिन के बाद यहाँ पर प्लांटेशन करोगे तो आपके खेत का वातावरण भी बहुत ठंडा हो जाएगा और बेड भी आपके अच्छे तरीके से ठंडे हो जाएंगे, तो मिट्टी ज़्यादा गर्म नहीं रहेगी दोपहर के टाइम, क्योंकि होता क्या, ज़्यादा सूरज पड़ने की वजह से, जैसे अगर आप छोटे पौधे का प्लांटेशन करते हो, अगर आप किसी भी छोटे पौधे का प्लांटेशन करते हो तो होता क्या, मल्चिंग पर वो होता क्या है, नीचे की जमीन मल्चिंग की तरफ मुड़ जाते हैं, तो इससे होता क्या है, जलकर कुछ ख़राब हो जाते हैं पौधे। तो इन सारी समस्याओं को करने के लिए यहाँ पर थोड़ी सी बगल से आपको मिट्टी चढ़ानी है, देख सकते हैं यहाँ पर किसान भाइयों आप भी, तो इससे देख सकते हैं पानी से किस प्रकार से ये गीले हो जा रहा है बगल से, जिसकी वजह से होता क्या है, पौधा बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता किसान भाई। और हमने कुछ यहाँ पर बीज लगाई हुई है, बीज लगाने में सबसे, अगर आप एक दूसरे से तीसरी बार खीरा की खेती कर रहे हो तो आपको सारा अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा, और जिससे आपका बीज भी लगाने की वजह से होता क्या है किसान भाई, बहुत से लोगों का लॉस हो जाता है, क्योंकि बीज सड़कर ख़राब हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा पानी हो जाता है, कुछ कम पानी होने की वजह से बहुत बीज भी ख़राब हो जाता है। तो आप बीज अगर आप एक दो बार लगा चुके हैं तो आप बीज सही से, आप जर्मिनेशन हो जाता है आपके यहाँ, आप उसको सही से समझ सकते हो, तो आप बीज ही लगाओ, क्योंकि नर्सरी में ज़्यादा खर्चा आ जाता है, आप लेबर लगा सकते हो और फिर उठाना और सारी समस्या आती है, तो आप बीज लगा सकते हो, तो आप बीज से भी अच्छी तरीके से कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप नर्सरी में ही पौधे को तैयार करके आप खेती कर सकते हो, ऐसा नहीं है, बीज लगाकर भी आप अच्छे तरीके से, देख सकते हैं यहाँ पर सारे जर्मिनेशन हुए हैं, क्योंकि देख सकते हैं अगर आप बीज लगा रहे हो तो आपको थोड़ी ज़्यादा पानी ही चलाना है, क्योंकि
ऐसे भी पानी नहीं चलाना है कि आपका ज़्यादा बीज के यहाँ पर पूरा का पूरा पौधे के यहाँ पानी भरा रहे, ऐसे नहीं। आपको लगाते टाइम किसान भाई करना क्या है, इसको थोड़ा ऊपर की तरफ मिट्टी रखनी है, क्योंकि अगर आप बीज लगाते समय आपको किसान भाई करना क्या है, बीज लगाने के बाद थोड़ा ऊपर की तरफ मिट्टी उठा देना है, ऊपर की तरफ, जिससे बीज के यहाँ पर पानी भरे ना और ये पौधा सड़े कर ख़राब ना हो। तो बीज लगाने के बाद किसान भाई होता क्या है कि बीज के बाद अगर आप पानी थोड़ा कम भी चला देते हो ना, तो इससे भी आपका पौधा ख़राब हो जाएगा सड़कर वहीं पर, क्योंकि ज़्यादा धूप पड़ने की वजह से जो यहाँ पर ओके अगर ज़्यादा धूप पड़ेगी तो आपके यहाँ जो यहाँ पर आप होल किए हुए हैं वहाँ पर खीरा का बीज लगा हुआ है, तो इसमें से सीधी मल्चिंग की पूरी जो धूप है उससे यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी निकलेगी। तो इसके कारण होता क्या है किसान भाइयों कि हमारे जो अंकुर होता है वो सड़कर ख़राब हो जाता है, इसी के कारण कि ज़्यादा गर्मी अंदर पड़ने की वजह से भी हमारा पौधा ख़राब हो जाता है। तो क्योंकि हमारा एक बार पिछली साल पूरा का पूरा ऐसे ही ख़राब होता जा रहा था और बहुत समस्या आ रही थी, तो इसके लिए हमने इस बार बहुत बार समझा और फिर ट्राई किया हुआ है कि अब पानी हम बिल्कुल भी कम नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इसी के कारण देख सकते हैं हमारा पूरा का पूरा जर्मिनेशन हुआ है, क्योंकि हमारा पिछली बार पूरा का पूरा 2 से 3 बार ख़राब हो चुका था ऐसे ही पानी कम देने के चक्कर में। तो इस किसान भाइयों आप बस पानी अच्छी तरीके से चलाओ, क्योंकि हमने भी ऐसे ही ट्राई किया हुआ है कि इस बार हमारा बिल्कुल 100% पूरा जर्मिनेशन हुआ है और पौधे भी अच्छी तरीके से अब तैयार हो रहे हैं। किसान भाइयों देख सकते हैं पूरी मल्चिंग में अभी जर्मिनेशन हुआ है, थोड़ा थोड़ा खरपतवार यहाँ पर जर्मिनेशन हो चुका है, तो इसको हम उखाड़ देंगे, जिससे हमारा अच्छी तरीके से पौधा और अच्छी तरीके से तैयार होगा। तो किसान भाइयों इतना पौधा आपका निकल रहा है 2 से 3 पत्ती, तो आपको चलाना क्या है किसान भाइयों, होमिक एसिड आप चलाते रहो, होमिक एसिड आप को होमिक एसिड और 19:19 आपको इन दोनों को मिलाकर आपको पहली बार चलाना है, फिर आपको चलाना है अमोनियम, अमोनिया चला सकते हो 12:61 के 12:61 आता है, और 13:045 ए फर्टिलाइज़र आपको चलाना है, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम कैल्शियम बोरोन ए आपको फल लगते समय चलाना है किसान भाई। तो अगर आप हफ्ते में एक 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 केजी आप चलाते हो फर्टिलाइज़र, तो आपकी फसल अच्छी तरीके से तैयार होगी किसान भाइयों, और आपको बधाई इसको अच्छी तरीके से सही टाइम पर करनी हो, बधाई आपको सही टाइम पे करनी है, जैसे कि आपके बेल निकलनी स्टार्ट हो जाए, तो आप सही समय पर अगर आप बधाई करते हो तो पौधा जल्दी ग्रोथ करेगा और वैसे ही आपको चढ़ने के लिए पौधे को मिल जाएगा, तो आपके पौधे की फसल की जो शाखाएँ हैं वो ज़्यादा बढ़ेगी और फसल अच्छी तरीके से हरी भरी बनेगी। तो किसान भाइयों मिलते हैं अगले वीडियो में, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको क्या क्या परेशानी आती है खीरे की खेती में और भी किसी वेजिटेबल्स की खेती में, तो लाइक ज़रूर कर देना चैनल पर।